हेडलाइन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं एक नजर आज की हेडलाइन पर। शरद पवार ईडी जाने का फैसला हुआ रद्द, पत्नी ने कहा मेरे पति को जेल मत भेजिए, मुझे स्वतंत्र है मंजूर। हाउसफुल 4 का ट्रेलर जबरदस्त हुआ रिलीज, नितिन गडकरी ने कहा पार्टी जिसे टिकट देंगे उसका काम ईमानदारी से करे। अब खबरें विस्तार से। बैंक घोटाले के केस के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के NCP के प्रमुख शरद पवार ने आज प्रवर्तन निर्देशालय ईडी के दफ्तर जाने का फैसला किया था। हालांकि ईडी की ओर से उन्हें पेशी का नोटिस नहीं दिया गया। पवार का कहना था कि वह बैंक घोटाले FIR के खिलाफ ईडी दफ्तर जाकर अपना पक्ष रखेंगे, ईडी के दफ्तर न आए। लेकिन पवार ईडी दफ्तर जाने पर अड़े रहे। पति को जेल जाता देख पत्नी इमोशनल हो गई और थाना अध्यक्ष से लगाई गुहार। यह खबर बलिया उत्तर प्रदेश की दर्शाई जाती है, जहां 2 महीने पहले एक युवक अपनी पत्नी छोड़कर दूसरी महिला के साथ फरार हो गया था। 2 महीने बाद जब अपने प्रेमिका के साथ पकड़ा गया तो इसे लेकर पंचायत में घंटों ड्रामा देखने को मिला। पुलिस तक मामला पहुंचा तो जिसके बाद पुलिस पति को जेल ले जाने लगी। पति को जेल जाता देख पत्नी इमोशनल हो गई और थाना अध्यक्ष से कहा कि मुझे स्वतंत्र है मंजूर, मगर मेरे पति को जेल मत ले जाए। हाउसफुल 4 का ट्रेलर रिलीज हो गया है, इससे चारों ओर से शानदार रिव्यू मिल रहे हैं। ट्रेलर में कॉमेडी और कंफ्यूजन और भागम भाग का मिश्रित डोज दिया गया है। मूवी के किरदार भी अपने अपने रोल में जम रहे हैं। इसी बीच कुछ फैंस को लगता है कि मूवी में पॉपुलर बाहुबली के चुनिंदा सीन्स को कॉपी किया गया है। नागपुर के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा कि जिस किसी भी व्यक्ति को टिकट देंगी उसका काम ईमानदारी से करे। शहर में 6 विधानसभा चुनाव क्षेत्र है, सैकड़ों कार्यकर्ताओं को टिकट चाहिए परंतु यह संभव नहीं है। एक कुर्सी पर 10 लोगों को बैठना संभव नहीं है। सुरेश भट्ट सभागृह में आयोजित भाजपा के विजय संकल्प अभियान में कार्यकर्ताओं को संबोधित नितिन गडकरी कर रहे थे। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ। धन्यवाद।